हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? थोड़ा सा अपडेशन करने में आया हूँ। शायद आपको थोड़ी सी वॉइस और थोड़ी सा क्लियरिटी भी थोड़ा सा शायद इस क्लिप में ठीक रहे। तो अब कंटिन्यूसली वीडियोस आएगी, कंटिन्यूसली आएगी, और जो भी हमारे टॉपिक्स बहुत से पीछे रह चुके हैं, जो बहुत सी हमारी प्रैक्टिकली प्रैक्टिसेस है, तो वो भी हम नहीं आपको बता पा रहे थे, तो वो भी अभी कंटिन्यूसली हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के टॉपिक्स में कोई खास टॉपिक नहीं है, पर अभी एक जरूरी का जो टॉपिक था वो था, दो तीन टॉपिक्स में इसमें थोड़ा सा कवर अप करूँगा अभी। तो आज का जो मेन टॉपिक था वो था हमारा हेल पे, हेल स्टॉन, जहाँ पर ओला आया है, क्योंकि किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है जो मेरे साथ कनेक्टेड है। इनमें कुल्लू बेल्ट हो गया, चौपाल बेल्ट हो गया, कुल्लू चौपाल कोटखाई की कुछ बेल्ट हैं, और दूसरा बहुत सी बेल्ट हैं रामपुर की बेल्ट हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल स्टॉन हुआ था। तो उनके लिए जो तो वहाँ कनेक्टेड है, उनको तो मैं वहाँ तो प्रिकॉशनली मैंने उनको बता दिया क्या क्या उन्हें करना है, पर थोड़ा सा जनरल चाहता कि प्रैक्टिकली बताऊँगा, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। और जो तभी मैं कह रहा था कि रजिस्टर हुई है, और जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है उनका प्लस पॉइंट ये कि वो हमारे जो भी डैमेज उनका फ्रूट हुआ है वो मुझे पिक्स वहाँ सेंड कर सकते कि मुझे इतना डैमेज हुआ है, क्या इसमें रिकवरी हो पाती है, पॉसिबल है, नहीं है, या किसी के कम डैमेज हुआ है तो उसकी रिकवरी के लिए क्या करना है। देखो क्या होता है, मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बताता हूँ हिल स्टॉम पे, जब हमें भी इफेक्ट हुआ था, ठीक है, हमने भी जो प्रैक्टिस करी थी उस टाइम, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका फ्रूट, मान लो ये फ्रूट आपका है, यहाँ से क्या है, हेल डायरेक्टली डैमेज आपको बहुत ज़्यादा डैमेज क्या हुआ है, ठीक है, आपका क्या हुआ है कि अंदर की स्किन निकाल के चला गया, छिलका चला गया, ठीक है। तो वो फ्रूट आपने याद रखना है, हेल डैमेज कभी भी फिलअप नहीं होता है, चाहे आपको मेडिसिन वाला जो भी दवाई वाला आपका लाला है, वो चाहे आपको 10 तरह की मेडिसिन दे, आपने नहीं लेनी है फालतू की, ना ही आपने करनी है, ठीक है। हेल डैमेज जो ज़्यादा डैमेज है वो कभी फिलअप नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ रिकवरी होगी कैसे, ताकि कोई फंगल डिजीज कोई उसमें एंटर ना हो, सडन पैदा ना हो, सडन से आपने बचाना। और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक मेरे ही जो सब्सक्राइबर है उनको पता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे जो पिक सेंड करी थी उन्होंने क्या कर दिया, विद इन मतलब 12 घंटे के अंदर उन्होंने सबसे पहले यूरिया की स्प्रे कर ली, ठीक है, और उनका डैमेज जब मैंने देखा तो डैमेज उनका बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अगर आप यूरिया की स्प्रे आप उस डैमेज में करते हो तो आपको पता है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, नुकसान क्या उठाना पड़ेगा आपका, वो जो छेद है, ठीक है, वो जो जहाँ जख्म आपने पड़ा हुआ है, जहाँ पर जख्म पड़ा है, वो जख्म आपका फिलअप नहीं होगा, बल्कि उल्टा क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी काउंट रखनी है कि जिस फ्रूट में आपका डैमेज ज़्यादा है वहाँ पर आपने यूरिया तुरंत नहीं करना है, वो आपको स्किन को क्या कर देगा, और ज़्यादा डैमेज कर देगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो यूरिया आपने नहीं करना है, यूरिया आपने वहाँ पर कब करना है, वो करना है कम से कम आपने 7 दिन के गैप में, 4 से 7 दिन के गैप में आप यूरिया करिए, ठीक है। तो अगर आपके पास डैमेज ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, फंगीसाइड लेनी है, कोई मैनकोजेब वगैरह आप कर सकते हो, प्रोपिनम वगैरह, ठीक है, कार्बनडिजम कुछ भी आप इसमें क्या है, कोई आप कर लो, मैनकोजेब आप कर लो, सिंपल है, बढ़िया है, आपने वो करनी है 12 घंटे के अंदर। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्प्रे करनी है वो करनी है 3 दिन के बाद, वो क्या करनी है, वो करनी है जिसमें बोरिक एसिड आएगा 200 ग्राम, ठीक है, जिंक सल्फेट आएगा 100 ग्राम कर लो, 100-150 ग्राम, 100 ग्राम काफ़ी है, फिर वैसे 50 भी होता है पर 100 ग्राम आप निकाल लेना जिंक सल्फेट। उसके बाद जो नेक्स्ट उसमें ऐड होगा वो होगा आपके पास लेम, ठीक है, जिसको आप कहते हैं अनभुजा चूना। तो उसके लिए क्या करना है आपने कि अनभुजा चूना अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आपने डाल देना है, ठीक है, कितना डालना है वो ज़्यादा नहीं डालना है, वो आपने 250 ग्राम तक आप डाल सकते हो, 200 से 250 ग्राम तक आप उसको डाल सकते हो। तो ये तो एक तो ये शेड्यूल हो गया, ठीक है, अगर आप ये शेड्यूल कर रहे हो तो इसके बाद आपने नेक्स्ट स्प्रे जो करनी है वो करनी है 7 दिन के बाद, वो क्या करनी है, अगर जख्म आपके पास ज़्यादा है तो क्या करोगे आप, यूरिया 1 kg करोगे 7 दिन के बाद, और बाद में आपने क्या करना है उसके 2-4 दिन के बाद एक माइक्रोन्यूट्रेंट, एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे आपने करनी है, जिसमें आप मैक्रोमिन ले सकते हो, या आपके पास जो मल्टीप्लेक्स नाम से आता है आप उसको ले सकते हो, ये स्प्रे आपने करनी है फिर उसके कम से कम 7 दिन के बाद, वो तो एकदम नहीं करनी है, तुरंत नहीं आपने वो स्प्रे करनी है, तो उसमें आपने थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है, एक चीज़ ये होगी क्लियर, ठीक है, ये छोटी-छोटी चीज़ है और ये बहुत जरूरी चीज़ है जो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। तो एक तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, कि आपने अगर आपका फ्रूट क्या है बहुत ज़्यादा डैमेज है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट आपने क्या करना है इसके बाद, अगर आपका फ्रूट कम डैमेज है, मान लो आपको यहाँ बाहर बाहर स्किन में 2-4 कहीं निशान है, लगे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हीट स्किन नहीं फटी है, कम हीट है, जख्म तो वो भी है, वो भी जल्दी फिलअप नहीं होगा, रिकवरी आप उसको दे सकते हो, ठीक है, रिकवरी के लिए ट्राई आप कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फंगीसाइड तो करनी ही करनी है, विदिन 12 घंटे के अंदर आपने एक फंगीसाइड तो करनी ही करनी है, ताकि कोई फंगस डैमेज एंटर ना हो, ठीक है, एक चीज़ तो ये करनी है। उसके अलावा उसमें आप क्या कर सकते हो, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके अलावा आपके पास उसमें एक ऑप्शन और रहेगा कि उसमें आप
उसके बाद डायरेक्टली आप एक स्प्रे जो करोगे आप उसमें यूरिया डाल सकते हो। आपने क्या करना है उसके बाद यूरिया 1 kg, ठीक है, प्लस आपके पास जो आपके पास बोरिक एसिड वगैरह आता है आप वो सब ऐड करके एक मिक्सचर बना के आप उसको तुरंत आपने कर लेना है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसमें फिर आपने वो चूना अनुभव चूना छोड़ के आपने वहाँ पर क्या कर देना है, यूरिया, जिंक और आपके पास कौन सा होता है बोरिक एसिड, आपने वो डाल देना है यूरिया 1 kg, तो ये सब चल पड़ेगा आपका, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वहाँ अनुभव चूना स्किप कर देना, उसकी फिर जरूरत नहीं है अगर आपके पास कम डैमेज है, ठीक है। 3 दिन के बाद ये स्प्रे करिए और उसके बाद आपने 4-5 दिन के गैप में आपने क्या करना है, कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे आपने करनी ही करनी है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे आपने डेफिनेटली आपने करनी है, वो आप कर सकते हो। साथ में कोई अगर छोटा मोटा आपके पास कोई फंगीसाइड है आप उसको भी आप ऐड कर सकते हो उसके साथ, तो वो आप डाल सकते हो उसमें, उसमें कोई वो नहीं है कि आपने नहीं डालना है, वो आप डाल सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ा ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया हेल स्टॉम से इफेक्टेड, ठीक है। अब देखो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, जो इफेक्ट हो चुका है बस आप एक ट्राई एक कोशिश आप करो कि उसको थोड़ा सा रिकवरी पे लाओ, ठीक है। जितना हो सकता है आप उसको क्या करो, रिकवर करो, तो कोशिश यही करना है, ठीक है। रिकवरी करने की हमने कोशिश करनी है, आपने खाली रिकवरी पे अभी थोड़ा ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो रिकवरी बहुत जरूरी है, रिकवरी पे कोशिश करिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। और दूसरा आपने क्या करना है उसमें याद रखना, जिसके हेयर स्टॉम हुआ है आपने कंटिन्यूसली कैल्शियम की स्प्रे करनी है, कम से कम ज़्यादा नहीं करो 15 से 18 स्प्रे तो कम से कम आपकी होनी चाहिए अगर आप चाहते हो रिकवरी अपने फ्रूट्स में, तभी आपकी रिकवरी हो पाएगी। तो कम से कम आपने 10 तो हमने मिनिमम करनी ही करनी है, हार्वेस्ट तक आपने कितनी करनी है 10, तो आप मान के चलो कि हमने करनी ही करनी है। तो 10 एक आपने क्या करनी है स्प्रे आपने कर लेनी है कैल्शियम की, लिक्विड कैल्शियम करो, उससे क्या हो जाएगा कि आपकी स्किन टाइट रहेगी। दूसरा आपका जो भी आपका फ्रूट डैमेज हुआ है तो हो सकता है वो आपका फिलअप होने में काफ़ी हद तक जो है आप वो सफल हो जाओ, ठीक है। कम डैमेज है तो वो थोड़ा बहुत फिलअप हो जाएगा, कुछ जब आपका कलर्स वगैरह आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जल्दी वो फीलिंग आपका स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी चीज़ आपने और नोट करना है, जिसके हेयर स्टॉम हुआ है उसके कलर जल्दी अच्छा आएगा कलर, और जल्दी आएगा कलर, ठीक है। तो आपने वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी साथ के साथ चलिए तो टॉपिक ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा एक स्प्रे शेड्यूल में जो बात कर रहे थे, देखिए जो तो हमारा स्प्रे शेड्यूल है वो हम अपलोड कर देते हैं, जब भी हम स्प्रे करेंगे हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम कल स्प्रे करने वाले हैं या आज हम स्प्रे करेंगे तो हम क्या है 24 आवर के बाद हम जो है अपडेट कर लेते हैं, कल हमारी जो स्प्रे होनी है या आज हमारी जो स्प्रे हो चुकी है तो वो भी हो चुकी है स्प्रे हमारी आज, तो वो भी हम अपडेट करेंगे कि हमने क्या स्प्रे हमने करी है। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप अगर रजिस्टर होते हो, ठीक है, 400 रुपये दे के अगर आपको सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है, अभी आप 10-10 क्वेश्चन आप कर रहे हो, कई 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं कि हेल स्टॉर्म होगा ये हो गया, अब जो तो रजिस्टर होंगे तो फटाफट पता चल गया, जो नहीं है तो अब तो जब उनका नंबर आएगा तभी होगा, ठीक है। तो एक बार अगर आप 400 रुपये देकर आप रजिस्टर आप होते हो लाइफ टाइम के लिए, तो आपको फालतू के वेस्टेज ऑफ मनी नहीं करना है, कम स्प्रे आपकी होगी, ठीक है। क्योंकि हमारी स्प्रे हम करते ज़्यादा है लेकिन करते स्प्रे डोज में थोड़ा थोड़ा डोज करते हैं, आपसे हम कम कर रहे हैं फिर भी स्प्रे। तो ये चीज़ें तब होगी जब आप हमारे साथ कनेक्टेड हो गए, हमारे साथ आप सारे जो हमारे स्टेप्स है या हमारे जो थ्योरी है जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकली ही जो कर रहे हैं वही हम आके डिलीवर करते हैं, तो प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है वही हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए लॉकिंग प्लांट्स में हमारे आपको मैं गाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है, गाला का प्लांट है और कंटिन्यूसली जब से हमने लॉक किया तब से इसमें अच्छी क्रॉप्स आ रही है, ठीक है, थिनिंग वगैरह सब। और दूसरा क्या है अभी वॉलनट स्टेज है, ठीक है, एक पॉइंट आपने माइंड में और रखना है कि अभी आपका क्या है वॉलनट स्टेज आपका चला हुआ है मैक्सिमम जगह लोअर एलिवेशन में, कुछ के आपका चलो पी साइज होगा हाइट में और मैक्सिमम तो लोअर में तो आप वॉलनट से आगे निकलना स्टार्ट हो चुका है फ्रूट्स। तो आपने क्या करना है अभी का जो स्प्रे शेड्यूल होता है वॉलनट स्टेज का, मैं आपको स्प्रे शेड्यूल अभी बता रहा हूँ। वॉलनट स्टेज की जो स्प्रे शेड्यूल है आपने कोई ज़्यादा ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी है, आपने एक तो फंगीसाइड लेना है, कोई भी सिस्टमेटिक आप फंगीसाइड ले सकते हो, एक सिंपल सा आपके पास एक फार्मूला आपके पास 100 ग्राम का पैकेट आता है आपका रोको, आप उसको यूज़ करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हो। तो जितने भी आपके पास, और दूसरा आपके पास कॉम्बी भी है जिसमें कॉम्बी आपने नहीं करा हो आप कॉम्बी भी कर सकते हो, जिसमें आप डाइथिन बेबिस्टिन का आप कर सकते हो, डाइथिन और बेबिस्टिन, ठीक है। तो आपके पास बेबिस्टिन जिसने नहीं करा है पहले वो बेबिस्टिन भी कर सकता है, ठीक है, वो सिस्टमेटिक है तो आप सिस्टमेटिक वहाँ पे ऐड कर दो। तो आपने ध्यान रखना है कि सिस्टमेटिक अभी आपका होता है वॉलनट पे, या फिर रोको सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास है, आप रोको की आप स्प्रे कर लो और साथ में उसमें क्या करना है आपने कैल्शियम ऐड करना है और कुछ नहीं ऐड करना है, कैल्शियम ऐड करना है। और कैल्शियम की बात मैं अब इसको भी कवर कर लेते हैं, अब कैल्शियम यहाँ आ ही गया है, ठीक है। कैल्शियम जब भी आप करोगे, ठीक है, अभी 2-4 टॉपिक है, कोई अभी बहुत से टॉपिक्स है तो हम टॉपिक वाइज कल से हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लिक्विड आपने कैल्शियम करना है, पहली डोजेज आपकी 100 है तो सेकेंड आपकी कितनी होनी चाहिए 150 होनी चाहिए। और जो हमारी डोजेज है मैं 4 स्प्रे अभी कैल्शियम की सेब में सॉरी पीएस में 4 स्प्रे कर चुका हूँ और सेब में हमारी जो है वो 3 स्प्रे हो चुकी है, 4th स्प्रे हमारी कल आने वाले कल होने वाली है कैल्शियम की। और कैल्शियम की स्प्रे में मैंने आपको पहले बताया है कि डोजेज आपने किस तरह से रखनी है, किस तरह से आपने कैल्शियम पे काम करना है। तो
आपने क्या करना है, अब हमने जो हमारी डोजेज है, हमने भी आपको पता है 100 से स्टार्ट करी थी, फिर 50 करी थी, फिर हमने 150 करी थी सीधी, ठीक है। तो आपने जो कैल्शियम की डोजेज है वो आपने 100 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। जितने भी आप कर रहे हो, जो भी हमने कर दिया, अब कर दिए तो हो गई है, जो पहले हो चुकी है। तो अभी आपने फिलहाल डोजेज जो भी आप करोगे 50 ml आपने बढ़ानी है कैल्शियम की डोजेज, ठीक है। जो भी आपकी स्प्रे आएगी उसमें क्या करना है, 50 ml आपने उसको फिर से बढ़ाना है, 50 ml हर स्प्रे में। उसके बाद नेक्स्ट आएगी, फिर आप 50 ml बढ़ाओगे। तो कैल्शियम की स्प्रे आपने कंटिन्यूसली रखनी है अपने शेड्यूल में, ठीक है जी। फिर दूसरा मैं एक चीज़ इसमें और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, और हम इसमें कर लेते हैं आपका कैल्शियम आपका हो गया, ठीक है। और याद रखना है जो भी प्रोडक्ट आप लोगे, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपके पास कैल्शियम के लिए आप कैल्टेक, मैक्सिमम कैल्टेक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कैल्टेक वॉलनट स्टेज तक ठीक है, लेकिन वॉलनट स्टेज के बाद आपने कैल्टेक को करना बंद कर देना है, कि उसमें क्या है, नाइट्रोजन मोर दैन 9% कुछ समथिंग होगी। तो आपने अब वो प्रोडक्ट लेना है जिसमें नाइट्रोजन बहुत कम होगी, ताकि क्या हो, या हो ही ना, जिसमें नाइट्रोजन जीरो हो, जिसमें खाली कैल्शियम हो, बोरोन हो। बोरोन नहीं भी होगा तो भी आप अलग से 50 ग्राम हर स्प्रे में ऐड करते रहना बोरोन कैल्शियम के साथ। उससे क्या होता है, वो एक जैक का काम करता है। बोरोन भी मैं समझा देता हूँ, बोरोन का जो वर्क होता है वो होता है जैक देना, ठीक है। वो उसको जैक देता है कैल्शियम को, वो क्या कर देगा, अपटेक करने में आपकी हेल्प करेगा, जल्दी आपका कैल्शियम जो होता है वो क्या हो जाएगा, प्लांट को, फूड को जाएगा, अपटेक जल्दी होगा, तभी बोरोन को ऐड किया जाता है। तो बहुत से कैल्शियम के प्रोडक्ट है, आपका कैलबान हो गया, कैलमैक्स हो गया, तीन चीज़ों में, इनमें जो है वो बोरोन आपकी बहुत कम, सॉरी नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम इसमें होता है। तो आप उनको, वो ऑप्शन आपके पास है, तो फादर आप उन ऑप्शंस को भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है, इनको आपको माइंड में आपने सेट रख लेना है। तो ये होगा कैल्शियम का। बाकी जो शेड्यूल्स है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को आईडी से बता सकता हूँ, वो शेड्यूल आपका पता है कि स्टेजेस वाइज होता है, ठीक है। आपकी स्टेज कुछ होगी, मेरी स्टेज कुछ होगी, तो वो स्टेजेस वाइज आपका शेड्यूल जो होता है वो होता है, तो वो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। वो आईडी से मैं भी आपको कोई शेड्यूल नहीं बता सकता हूँ। बाकी थिनिंग जो होती है वो वॉलनट स्टेज में आपकी नेक्स्ट स्टेज ऑफ थिनिंग होती है। अभी भी जहाँ आपको लग रहा है कि हमारा फ्रूट ज़्यादा है या हमारा फ्रूट यहाँ पे क्वालिटी नहीं बन सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ का प्रॉपर रखा है, दो दाने, यहाँ दो में गैप है, ठीक है, यहाँ भी गैप है दोनों में, तो ये इसलिए यहाँ खाली है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे दो दाने भी रखे हुए। तो आप तीन भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिंगल ही रखना है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है जी। एक चीज़ तो ये हो गया, बाकी कैल्शियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी रहती है बाकी स्प्रे शेड्यूल के बाद, देखो मिक्सिंग इस बार बहुत से ऐसे मैसेज आए हैं जहाँ पे मेडिसिन रिएक्ट कर गई है, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, 4-5 दवाइयाँ मिक्स कर लेते हैं और बाद में दिक्कत हो जाती है। तो भैया मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ, मिक्सिंग करने से पहले, अगर तो आप, तभी मैं कह रहा था कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, रजिस्टर रहिए, वहाँ एक बार 400 रुपये दे के आपका खर्चा बच जाएगा, ठीक है। अब जो रजिस्टर नहीं थे उनका, उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मिक्सिंग ज़्यादा कर दी, अब मुझे मैसेज कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब देखिए फ्रूट का, अब वो फ्रूट में इतनी ज़्यादा रस्टिंग उनकी आज रेट कर गई है दवाइया कि वो साफ़ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। खाली रिकवरी के लिए हम उनको बता सकते हैं कि आप इससे रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा आप उसको सेफ नहीं हो गए वहाँ से। अब तभी मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप चीज़ करो, प्लीज़ पहले आपने रिएक्ट करने, या तो आप एक फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, इजी फार्मूला, जब भी आप कोई मेडिसिन मिक्सिंग करते हो किसी बकेट में, जब आप अलग पहले मिक्स करो उसको, डायरेक्ट ड्रम में नहीं करो, बकेट में जब मिक्स करते हो पहले आप क्या करो, थोड़ी थोड़ी डोज करो, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा मोटी मोटी बर्स में डाल दो सारी मेडिसिन, उनको मिक्स करो, अगर वो मेडिसिन आपकी मिक्स हो जाती है सारी तो वो कंफर्टेबिलिटी है, ठीक है, वो चल पड़ेगी। अगर वो मेडिसिन क्या हो रही है, मतलब दूध की तरफ फट रही है, जैसे आपकी दूध फटता है, ठीक है ना, उस तरह से वो अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स वो कंफर्टेबल नहीं है, वो आपकी नहीं चलेगी, वो मेडिसिन आपकी इकट्ठी नहीं चलेगी। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी काउंट रखनी है अपने पास, अपने ध्यान रखना है। तो अभी बस थोड़ा सा मैं यहाँ इसलिए अभी आया था लाइव, क्योंकि मैं अपने थोड़े से एक रूट स्टॉक का जो भी खींचा है मेरा, इसमें मैं था, तो रूट स्टॉक में बस एक आपने ध्यान रखना है कि इसमें इरीगेशन, आपको पता है बिना पानी के मैं तो ये कहूँगा कि आपको फंसना ही मत अगर आपके पास पानी फैसिलिटी नहीं है। बल्कि आप खुद मुझे देखोगे मैं कुछ इरीगेशन करना स्टार्ट कर दिया है रूट स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि बारिश जो आई वो उतनी बारिश नहीं थी, वो किसी काम की बारिश नहीं थी मेरे हिसाब से, तो जीरो, ठीक है। तो इस तरीके आप पानी देना हमने स्टार्ट कर दिया है रूट स्टॉक्स में, क्योंकि विदाउट इरीगेशन मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर भी पाएंगे। दूसरा थिनिंग वर्क, हमारा सेकंड स्टेज का थिनिंग वर्क बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। अब सेकंड स्टेज में सोचा, यहाँ तो कोई इस ब्रांच की कैपेसिटी कितनी है, अब ये इतना फ्रूट क्या ले पाएगा। अब फ्रूट अगर इसका देखोगे तो इसमें कम से कम मुझे लग रहा 20 से 25 फ्रूट पीछे तक है, ठीक है, 15 फ्रूट रखो इसमें, कम से कम 15 फ्रूट रखो, ठीक है। उस तरह से इसकी हमने थिनिंग करनी है अब, ठीक है, जैसे दो है वहाँ सिंगल आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपने करनी है। बाकी थिनिंग आपके हार्वेस्ट के टाइम ही होती है, जब आप थिनिंग करते हो हार्वेस्ट टाइम में, कुछ थिनिंग आपकी उस टाइम हो जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपने दिया है, ध्यान रखना है। तो बाकी स्प्रे शेड्यूल का वही है कि हमारा शेड्यूल जो होता है वो हम 24 आवर के बाद अपलोड कर देते हैं, ठीक है, वो हम कर देंगे अगला भी।
और जो उसके हिसाब से चले हैं वो अच्छी बात है। बाकी आज तक का शेड्यूल हमारा कभी फेल नहीं हुआ है और कोई भी फालतू की स्प्रे नहीं है। जो फंगीसाइड है वो यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी करती है, वही यूनिवर्सिटी जो रिकमेंड करती है वही हम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिजल्ट उसी के अच्छे हैं, कोई अपनी साइड से नहीं करे। हाँ, कुछ एक मेडिसिन होती है जब वो करनी पड़ती है या कोई बीमारी आ गई, ठीक है, अब मुझे आप लीफ के वहाँ क्या कर दोगे, फिक्स भेज दोगे ऐसे लीव्स के, ठीक है, किसमें ये बीमारी है, तो मैं आपको हमारी रिकमेंड वो करूँगा जो उसमें आपके काम आएगी। और एक क्वेश्चन और था उनका मैं कवर कर लेता हूँ, उसमें मैरीगोन के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे कि मैरीगोन का क्या रिएक्ट है, कैसे करना है, क्या डोजेज है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन था लास्ट ईयर भी। देखिए क्या होता है कि कन्फ्यूजन कब होता है, जब हम खुद उसको गलत यूज़ करते हैं, ठीक है। मैरीगोन को उसने पीएस में करी, वो भले ही एक्सपर्ट थे, ठीक है, अगर आप पीएस में ही उस डोज से कर रहे हो उस जो प्रिस्क्राइब नहीं है, सेब की मेडिसिन है, पीयर की क्या होती है, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है, वो वहाँ हार्म करता ही है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आप 20 ml, वैसे 30 ml हमने भी करा है, मैं खुद पता हूँ मैंने 30 ml करा हुआ है, तो उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ठीक है, तो बस वो तरीका है करने की। अब मिक्सिंग उसमें बिल्कुल नहीं होगी, हमने सिंगल करना है। आप 20 में आपको प्रेफर करूँगा, आपने 20 ml ही करनी है मैरीगोन अगर आपके पास है। अगर लीव्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप मैरीगोन आप कर सकते हो, तो 20 ml आप कर सकते हो। और मिक्सिंग में आपने हमेशा ध्यान रखना है माइंड में, कैसे आपके कुछ होता है टैबू करना जोल हो गया, डेफी करना जोल हो गया, हेजा करना जोल हो गया, तो ये चीज़ें हर के साथ मिक्स नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ आप मल्टीप्लाई जैसे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अगर आप ऐड करोगे मिक्सिंग में इन चीज़ों के साथ, जैसे टैबू करना जोल, हेजा करना जोल, तो वो रिएक्ट कर जाते हैं कई बार, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए, बाकी जो रजिस्टर है उनको तो इजी है सब कुछ करना, ठीक है, उनको हमारा शेड्यूल भी चला है, हमारे हिसाब से चले हुए हैं, तभी मैं वो कह रहा हूँ कि अगर 400 रुपये के देख के आप एक बार रजिस्टर हो जाते हैं हमारे पास, तो आपके बेनिफिट्स के लिए ही वो था, कोई अलग हमने नहीं बनाया था। बाकी हम वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, ठीक है, अभी मेरी प्रैक्टिस चलनी है, अभी पीएस पे टॉपिक चलना है, पीएस की स्प्रे चलनी है, तो अभी मैं अपडेशन आपको करते रहूँगा, ठीक है। बाकी जिसको कोई भी और ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो प्लीज़ आप जो रजिस्टर नंबर है हमारा उस पर आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है, कोई भी दिक्कत है कुछ भी आपने पूछना तो आपको रिप्लाई आपको मिल रहे हैं वहाँ पे। चलिए, थैंक यू गाइस।